मुंबई के कांदिवली के तेरापन भवन में श्री तुलसी महाप्रज्ञ फाउंडेशन के अध्यक्ष विनोद बोहरा, मंत्री मनीष तिवारी, कोषाध्यक्ष संजय बड़ोड़ा और सभी ट्रस्टी और समाज की सभी संस्था के नेतृत्व में भारी संख्या में सकल जैन समाज की मौजूदगी में उत्तर मुंबई लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी का जोरदार स्वागत किया गया। आपको बता दें कि कार्यक्रम में मौजूद जैन समाज के प्रबुद्ध लोगों ने उत्तर मुंबई लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार पीयूष गोयल की उम्मीदवारी पर खुशियां जताते हुए यह संकल्प लिया कि उत्तर मुंबई सीट से इस बार पीयूष गोयल को लोकसभा में भारी रिकॉर्ड मतों से जिताकर भेजेंगे। इस मौके पर प्रमुख रूप से शामिल लोगों में निवर्तमान सांसद गोपाल शेट्टी, कांदिवली पूर्व विधानसभा के बीजेपी विधायक अतुल भातखड़कर, सुरेंद्र कोठारी, बीसी भलावत, भवरलाल कर्णावत, नरेंद्र तातेड़, नवरतन गन्ना, पारसमल दुग्गड़, नवनीत कच्छारा, इंदरमल कच्छारा, पैलेश मेहता, राकेश सिंघवी, जवेरीमल, नवलखा, रचना हिरण, मुकेश नवलखा, रोशन लाल मेहता, राजेश चौधरी, प्रकाश धाकड़, अशोक हिरण समेत जैन समाज के तमाम लोगों की मौजूदगी रही। इस पर देखिए हमारी ये खास कवरेज। पता नहीं आपको ध्यान है कि नहीं, मेरी माँ भी जैन थी, शादी के पहले वो चंद्रकांत का जैन थी। हम अब दुर्भाग्य रहे थोड़ा बहुत कि हमने अपने आप को बहुत बांट दिया है। मैं तो कई बार, मेरे पास जब हमारे साधु संत मुनि आते हैं या मैं भेंट करने जाता हूँ, तो मैं एक ही इच्छा व्यक्त करता हूँ कि अगर हम सब, चाहे वो स्थानक वासी हो, श्वेतांबर हो, दिगंबर हो, तेरा पंथी हो, अगर हम सब संगठित एक ताकत हो जाए तो सोचिए कितनी बड़ी ताकत हमारे साथ है। खैर जरा कॉन्ट्रोवर्शियल है, इस चीज में मैं नहीं जाऊँ तो अच्छा है, पर मैं समझता हूँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक आदर्श नेता, जिन्होंने देश को सशक्त किया, हर देशवासी को सशक्त किया और जीवन अपना पूरा निछावर कर दिया गरीबों के कल्याण के लिए, देश की सेवा में, देश की आस्था, देश की अस्मिता, देश के संस्कार जो हमारी धरोहर है, हमारी विरासत है, हमारी संस्कृति, इसको भी उन्होंने और मजबूती दी। आज जिस प्रकार का कॉरिडोर, काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर बना या महाकाल का कॉरिडोर बना, आज का ये गैदरिंग पीयू जी को सुनने के लिए है और इसके बाद इससे सटा हुआ जो पोइसर वार्ड है, उधर वार्ड सम्मेलन भी होने वाला है। मैं आप सभी महानुभवों से इतनी करबद्ध प्रार्थना करूंगा, 20 मई को मुंबई का, उत्तर मुंबई का मतदान है। कोई भी सर्वे उठा के देखो, किसी को भी पूछो तो सब ये बोलते हैं कि अब की बार 400, फिर एक बार मोदी सरकार, ये बिल्कुल सही है। और 14 में और 19 में उत्तर मुंबई से रिकॉर्ड मतों से हमने गोपाल जी को लोकसभा में भेजा, और गोपाल जी के भाषा में कहना है तो मोदी जी को 14, 19 और अभी 2024 में और ज्यादा सीट देके माननीय मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनना है। साथ साथ में उत्तर मुंबई में भी ये रिकॉर्ड वोट देकर जिताने का हैट्रिक भी अपने को करना है। अतुल जी की बात को अगर आगे बढ़ाओ तो तेरापंथ भवन में गत 10 वर्ष तो सांसद होने के बाद अनगिनत बार मैं आया हूँ, और उसके पहले भी मेरे स्वभाव के मुताबिक जब विधायक हुआ करता था तब भी आना जाना होता था। पीयू जी तेरापंथी है, समाज इतना बड़ा समाज है,
महिलाओं का संगठन भी आपका बहुत बढ़िया काम करता है, युवा संगठन बहुत बढ़िया काम करता है। साल भर में अनेक लोक उपयोगी काम आप करते हो। आपने कभी भी राजनीतिक पार्टियों के पास से कोई मदद मांगी नहीं, उल्टा जो हमारा काम है समाज को छोटे छोटे वर्ग के लोगों को मदद करने का, वो आप हमेशा करते रहे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की ओर से मैं आप सबका अभिनंदन करता हूँ, आप सबको धन्यवाद देता हूँ। हमारे केंद्रीय मंत्री श्री भारत सरकार के पीयूष जी गोयल आज इस कांदिवली के राजभवन में पधारे। हमने उनका इस कांदिवली के राजभवन में स्वागत किया है और पीयूष जी से हमारे पूरे जैन समाज, समस्त सकल जैन समाज, जीटो और हमारे चारों संप्रदाय की बहुत ही अच्छी उम्मीद है कि पीयूष जी को हम पहले तो सब बधाई देना चाहते हैं कि आप रिकॉर्ड तोड़ वोटों से आपकी विजय होगी। आपका लक्ष्य 400 है पर आपका एग्जिट पोल 411 बता रहा है, तो आप सोचते उससे भी सवाया काम होता है। और ये क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है, यहाँ कार्यकर्ता से लगा कि हम जैन समाज के जितने भी पीयूष जी को जो भी व्यवस्था चाहिए मतदान पे पहुँचाने, या हमारे जैन समाज से हम पूरी कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा हम बूथ पे जाएं और एक इस एरिया में एक रिकॉर्ड तोड़े कि आज तक इतने वोट नहीं मिले, इतने वोट मिले, इसकी पूरी प्रयास हम जैन समाज की ओर से सब मिलकर जरूर करेंगे। ये राजभवन का ये पॉजिटिव एनवायरनमेंट ही है कि जो पीयूष जी ने कहा कि 20 मई के बाद कमल खिलेगा, तो मैं तो कहता हूँ कमल खिलेगा भी और कमाल भी करेगा। और राजभवन में आने के बाद एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट के साथ यहाँ से पीयूष जी गए हैं और सुनिश्चित उनकी जीत तो पक्की है, लेकिन भारी मतों से जीतेंगे और आने वाले इलेक्शंस भी वो सफासट हो जाएंगे, मतलब ओपोजिशन का कोई नामो निशान नहीं रहेगा। और जिस तरह से मोदी जी का नारा चल रहा है विकसित भारत का, तो उस विकास यात्रा में हम भी साथ दें, ये हमारा भी कर्तव्य बनता है। और पीयूष जी गोयल एक विजनरी और डायनेमिक लीडर है, वो एक सीए भी है और उन्होंने काफ़ी पोर्टफोलियो भी संभाले हैं, तो जैन कम्युनिटी में काफ़ी बिजनेसमैन है, तो वो पीयूष जी गोयल को भी अपने लीडर के रूप में देखते हैं कि उनकी जो समस्याएं हैं बिजनेस रिलेटेड या जो लोकल एरिया की जो समस्या है वो उनको पूरा करेंगे। और हमें पूरा विश्वास है कि पीयूष जी जन जन के लिए काम करेंगे और भारी मतों से जीत प्राप्त करेंगे।